वचन सत्य वचन जीवन वचन हर घर में ईश वचन हर घर में ईश वचन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 19 पद संख्या 31 से लेकर 37 तक। वह तैयारी का दिन था। यहूदी यह नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाए, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया कि उनके टांगे तोड़ दी जाएं और शव हटा दिए जाएं। इसलिए सैनिकों ने आकर ईसा के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए पहले व्यक्ति की टांगे तोड़ दी, फिर दूसरे की। जब उन्होंने ईसा के पास आकर देखा कि वह मर चुके हैं, तो उन्होंने उनकी टांगे नहीं तोड़ी। लेकिन एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। जिसने यह देखा है वह इसकी साक्ष्य देता है और उसका साक्ष्य सच्चा है। वह जानता है कि वह सच बोलता है, जिससे आप लोग भी विश्वास करें। यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। फिर धर्म ग्रंथ का एक दूसरा कथन इस प्रकार है, उन्होंने जिसे छेदा वे उसी की ओर देखेंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु येसु क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, एफिसियों के नाम लिखे संत पौलुस का पत्र, जो आज का दूसरा पाठ है। पौलुस कहते हैं, ईश्वर ने अनंत काल से जो उद्देश्य अपने मन में रखा था, उसने उसे प्रभु ईसा मसीह द्वारा पूरा किया है। हाँ प्यारे विश्वासियों, आज पवित्र कैथोलिक कलीसिया प्रभु येसु के पवित्रतम हृदय का समारोह मना रही है। आज के पाठों पर यदि हम चिंतन करें, वचनों पर चिंतन करें, तो प्रभु के उस पवित्रतम हृदय के करीब जा सकते हैं, जहां पहला पाठ जो होशिया नबी के ग्रंथ से लिया गया है, वह प्रभु का वचन हमें कहता है, प्रभु हमसे कहता है, मेरा हृदय नहीं मानता, मुझ में दया उमड़ आती है। और वही पवित्र सुसमाचार में, यूहन्ना लिखित सुसमाचार में वचन कहता है कि उन्होंने जिसे छेदा वे उसी की ओर देखेंगे। वचनों की सुंदरता और गहराई कितनी असीम है। प्रभु के हृदय को कुछ इस तरह से दर्शा रहे हैं, मानो जैसे कोई जहरीला बिच्छू को एक प्रेमी व्यक्ति, एक साधारण अच्छा व्यक्ति पानी में डूबने से बचा रहा है और वह बिच्छू उसे डंक मारते जा रहा है, फिर भी उस व्यक्ति को अपने दर्द की परवाह नहीं, उसका ध्यान मात्र बिच्छू को बचाने पर है। एक ऐसे महान हृदय पर हम चिंतन कर सकते हैं। और विश्वास रखिए, हमारा यह चिंतन हमारे जीवन में प्रभु का प्रेम भर देगा। जो हृदय कलवारी पहाड़ी पर चढ़ते समय यरूशलेम की स्त्रियों को देखकर व्याकुल होकर करुणा से भर गया था और उन्हें कहा, मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए और अपने संतानों के लिए रो, वही हृदय क्रूस की यातना में भी कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर। पेत्रुस के द्वारा 3 बार ठुकराए जाने पर भी उसी पेत्रुस को वही हृदय कहता है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, और उस पर पूरी कलीसिया सौंप देता है। वही हृदय मेरे लिए भी तड़पता है,
मेरे असीम गुनाहों पापों के बावजूद, मेरे मूर्खतापूर्ण आचरण के बावजूद, वही हृदय मेरी ओर पूर्ण प्रेम से देखते हुए कहता है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। इसी हृदय में समूचा धर्म ग्रंथ अपनी पूर्णता प्राप्त करता है। जिन्होंने उसे ठुकराया उन्हीं के लिए तड़पता है। मैं और आप जब ईश्वरीय हृदय को जान नहीं पा रहे थे, वही हृदय मनुष्य देह धारण कर हमारे बीच में इसलिए आया ताकि हम उसे करीब से जान सके, हम जान सके कि वह पवित्र हृदय मुझे पुकारता है, क्योंकि वह पापियों को बचाने आया है। इसी कारण वह कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ। हाँ प्यारे विश्वासियों, जब मैं और आप इस हृदय पर दृष्टि डालेंगे, विश्वास कीजिए हमारे सामने एक ही पर्याय होगा, आंसुओं के साथ पूर्ण समर्पण उसी पवित्रतम हृदय के प्रति, जो हमें कहता है, मैं अनंत काल से तुम्हें प्यार करता आया हूं। भले ही हम अपने कुकर्मों पापों के का द्वारा उसे ठुकराए हैं, फिर भी हमारे लिए वह उसी प्रेम से देखता है जिसके द्वारा हम उसकी ओर देखें। हम प्रार्थना करें। हे पिता, तेरे पुत्र हमारे प्रभु येसु क्रिस्त के पवित्रतम हृदय के द्वारा मुझ पर और इस संसार पर दया कर, ताकि हम सदैव इस हृदय को पवित्रता का अनुसरण कर सके। आमीन।